हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों, आज मैं आपको नहीं लेकर आया हूं बर्ड्स पार्क, क्योंकि दोस्तों ये बंद पड़ा है अभी। मैं पर जू है चंडीगढ़ के अंदर, मैं वहां पर भी गया था, वो भी बंद पड़ा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सुकना लेक फॉरेस्ट। तो चलिए उसी की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि संडे को कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको बंद रखा गया है। इनका मानना है कि संडे को क्राउड ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कोविड के चलते इनको बंद रखा जाएगा। और ये आप मंडे को भी कोशिश मत करना, क्योंकि मंडे को भी नहीं मिलेगा। तो ये आप आइए, बाकी 5 दिन आप किसी भी दिन आइए, आप देख सकते हैं। और अभी हम फिलहाल चलेंगे सुकना लेक फॉरेस्ट की तरफ। दोस्तों ये रास्ता जाता है सुकना लेक फॉरेस्ट की तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा ही दूर, ये बोलते हैं कि 200 से 300 मीटर है। तो चलिए चलते हैं, आज वहीं की घुमाई करते हैं। यहाँ पे तो पोपट हो गया। तो दोस्तों ये है यहाँ पर मेरे पीछे सुकना लेक फॉरेस्ट। चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते कैसा है। वैसे लोग बोलते हैं यहाँ पर लोग सिर्फ जॉगिंग करने के लिए आते हैं। एक ट्रैक बना है और थोड़ा बहुत फॉरेस्ट है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जंगली जानवर मिल जाते हैं, जैसे हिरन या फिर नीलगाय, ये मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों एक बात तो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। शायद एक आधा हिरन दिख गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ना यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। और पता है दोस्तों ये लाइन क्यों लगी है? क्योंकि सुकना लेक के अंदर जो एंट्री है वो बहुत कम हो रही है यहाँ पर। ये मान के चलिए कुछ लोग तो बर्ड्स पार्क देखने आए थे, वही मैंने आपको बताया था, और कुछ लोग जो है सुकना लेक पर आए थे, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं है, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और कोरोना के चलते ज़्यादा एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही है। तो उस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोग उधर से निकल कर यहाँ पर आ गए हैं। भी खाली हाथ जाने से अच्छा है तो यहीं से निकल जाएं। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी थोड़ी लेक दिखाई भी पड़ती है, आप सामने से नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ से नज़ारा अच्छा है। दोस्तों फिलहाल मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से भी लेक का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, पीछे आपको बहुत सारी बोट दिखाई देंगी। ये देखिए दोस्तों, ये नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए वो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये पीछे बोट है, ये देखिए। दोस्तों ये जो जितने भी आपको ना पार्क के अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इनका दुख है ना बस मैं समझ सकता हूँ। ये आपको बहुत खुश लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये खुश नहीं है, क्योंकि ये बेचारे यहाँ पर मेरी तरह बर्ड्स पार्क देखने आए थे, पक्षी देखने आए थे, और ये बेचारे भी यहाँ पर झाड़ियाँ ही देख कर जाएंगे। दोस्तों घूमते घूमते भले यहाँ पर कोई जंगली जानवर ना दिखे, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर दो पाँव वाले जानवर बहुत मिलेंगे आज, क्योंकि संडे है तो बहुत लोग आए हुए हैं, इसलिए दो पाँव वाले जानवर बहुत मिलेंगे। और इनके अंदर वही प्रजातियाँ जो आप जंगल के अंदर देखते हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे गेंडे जैसे होंगे, बहुत सारे लोमड़ी जैसे चालाक होंगे, और बहुत सारे चील जैसी नज़र रखे होंगे, क्योंकि आपको पता है जो कई लोग आते सिर्फ घूरने के लिए, तो उस तरह के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन दो पाँव वाले जानवर की प्रजातियाँ बहुत मिलेंगी आज, आज वही देख लो। और तो कुछ यहाँ पे आज दिखाने के लिए है नहीं, तो वो तो देख ही सकते हो, तो वो देखिए।
यहाँ पे आ गया तो कुछ दिख गया है। वो देखो पीछे, वो देखो, नीलगाय हैं और हिरन भी है। किस्मत है यहाँ पे, ये देखो नीलगाय तो दिखी गई है और तो कुछ था नहीं यहाँ पे। ये देखो पीछे आप देख पा रहे हैं नीलगाय, लेकिन जो नॉर्मली गांव में रहते हैं उनको तो ये नॉर्मली देखने को मिल जाती है, लेकिन शहर वालों के लिए तो ये भी बोलते हैं ना बड़ा पटाखा, वही है। ये मेरी तरफ ही देख रहे हैं, शायद देख रहे हो कुछ खाने को देगा। क्या करूँ दोस्तों, कुछ लेके ही नहीं आया मैं। तो ये तो बिल्कुल नज़दीक आ गए, बाहर निकल के देखो, ये बिल्कुल बाहर आ गए। वैसे ना ये ना इंसान को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ही आए होंगे शायद, ये कुछ खाने को डालेंगे। लेकिन क्या करें दोस्तों, पता ही नहीं था, अगर पता होता तो कुछ लेके आता मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये है फ़िलहाल, ये देखो ये चला गया, ये चला गया पूँछ उठा के। तो दोस्तों फ़िलहाल ये भाई साहब यहाँ पर आंवला गिरा रहे हैं ऊपर से पेड़ पर चढ़कर, ये बोल रहे हैं कि ये खा लेते हैं। तो देखते हैं अभी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, गिरा तो दिया है। तो बोल रहे थे आंवला खाते हैं, शायद मेरे से डर रहा होगा ये। तो दोस्तों मैंने इनकी तरफ आंवला फेंक दिया, अभी देखते हैं खाता कि नहीं खाता है। मैंने इसकी तरफ ही फेंक दिया, वैसे तो ये मेरे से डर रहा था ना, इसकी तरफ ही फेंक दिया मैंने, लेकिन ये तो नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये आंवला नहीं खाते हैं। दोस्तों एक मज़ा तो है यहाँ पर जो आप ले सकते हैं, वो मज़ा ये है कि यहाँ पर आपको खुले में ये हिरन और ये जो नीलगाय है घूमते हुए मिल जाएंगे, और अब बिल्कुल आपके पास से। आपने ज़्यादातर इनको चिड़ियाघर में ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये खुले में घूमते हैं और आपके आसपास से अगर आप कुछ खाने का देते हैं तो ये खा भी लेते हैं। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर नीलगाय ज़्यादा है, हिरन कम है। हिरन तो वैसे बहुत ज़्यादा डरता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए पीछे, लेकिन हाँ ये है दोस्तों, लेकिन मैं बर्ड्स पार्क देखने आया था उससे तो अच्छा है, वो तो पता नहीं कैसा था, क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो भाई हैं ये भी बर्ड्स पार्क देखने आए थे, लेकिन बर्ड्स पार्क नहीं देख पाए, ये झाड़ियाँ देखकर जा रहे हैं मेरी तरह। ये भी भाई साहब थोड़ा सा और फास्ट। दोस्तों ये भाई जॉगिंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बाहर तो टहलने के लिए जगह है नहीं और सुकुना लेक पास बंद किया गया है, तो यहाँ पर ये ट्रैक ही है एक तरह का, तो जॉगिंग करते रहो, इससे अच्छी जगह मिलेगी कहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों ये हमसे तो ठीक ही है, कम से कम ये सोच के तो आया कि मेरे को जॉगिंग करनी है, मैं तो सोच के आया था कि मेरे को बर्ड्स पार्क देखें, मेरे तो नसीब में वो भी नहीं था, और ये बेचारे जो पीछे आ रहे हैं इनके नसीब में भी नहीं था, क्योंकि सारे ही कोई सुखना लेक देखने आया था और कोई देखने आया था बर्ड्स पार्क। दोस्तों ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो यहाँ पर चलकर देखते हैं, चलो आ जाओ। दोस्तों अभी तक जितना घूमा हो ना उससे तो ठीक ही है, क्योंकि वहाँ पे तो चलते चलते सिर्फ ट्रैक ट्रैक ही था, लेकिन यहाँ पे फिर भी ठीक है, उससे तो ठीक ही है ये।
दोस्तों यहाँ से नज़ारा गजब। ये देखिए दोस्तों, पीछे मेरे जो है ये लेक दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही है। नेचर के बीच में से खड़े होकर देखना और वहाँ से पट्टी से देखना कुछ अलग ही है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये भाई भी वही हैं जो आज मेरे साथ हुआ है, वही इनके साथ में। मैं ये भी बर्ड्स पार्क देखने आए थे और इन्हें भी यहाँ पर झाड़ियाँ देखकर जाना पड़ेगा। लो ये सामने चौकीदार भी आ गया। अभी क्लोजिंग का टाइम हो गया लगता है, इसलिए सबको बाहर निकालने के लिए आया। तो दोस्तों ये था सुखना लेक फॉरेस्ट और ये लास्ट हिस्सा था जब ये मैं जहाँ पर खड़ा था। अब इससे आगे फिर सड़क आ जाती है, तो चलिए वापस चलते हैं अभी उसी रास्ते की तरफ जहाँ से हम आए थे। दोस्तों शाम ढलने को आ गई है, अभी 5:30 बज गए हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो सुखना लेक वाइल्ड फॉरेस्ट के ऊपर। आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।